नमस्कार साथियों, सार्थक पैर बदलाव हमसे है। मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के लिए आयोग। ये ऐसे टॉपिक है जो दोनों परीक्षाओं के लिए, प्री के लिए भी है, मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी बड़े महत्वपूर्ण होता है। तो एक एक चीज जो है, एक एक बात, एक एक पॉइंट जो है हम नोट करें और उसे लिखें, पेन कॉपी साथ में रखे तो ही हमारे साथ बने रहे, ठीक। तो हमने इससे पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पढ़ा, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग पढ़ा, तो कुछ बातें जो है सेम वैसे की वैसे उसी में से हमें लेना है। और जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा, पहले इसको छोड़ दे और इससे पिछला वीडियो जो है वो अवश्य देखिए, जब वो पढ़ेंगे तभी ये हमें समझ में आएगा। हम अभी बात करते हैं अनुच्छेद 342। अनुच्छेद 342 कोई बता सकता है क्या ये अनुच्छेद 342? अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 366, 24, अनुच्छेद 366, 25, अनुच्छेद 366, 25, ठीक। ये हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था इसलिए हम यहां पर बता रहे। तो अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 341 क्या है इसमें? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। अनुच्छेद 366 में दी है परिभाषा। यदि हम संविधान उठा के देखते हैं तो उसमें देखो तो अनुच्छेद 366 में क्या दिया हुआ है, परिभाषाएं दी हुई है। प्रेम का समझ में आ रहा है? अनुच्छेद 366 में क्या दिया है? परिभाषा। अभी आपने देखा था ना क्या दिया हुआ है इसमें, परिभाषा दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 366 24 में दिए अनुसूचित जाति की परिभाषा और अनुच्छेद 366 25 में दिया हुआ है अनुसूचित जनजाति की परिभाषा। तीनों अनुच्छेद, चारों अनुच्छेद समझ में आ गए। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जाति, 342 अनुसूचित जनजाति, अनुच्छेद 366 24 अनुसूचित जाति की परिभाषा, अनुच्छेद 366 25 अनुसूचित जनजाति की परिभाषा, याद हो गया इतना। अब आगे देखते हैं हम भाग 16 में प्रावधान है। भाग 16 पिछले वीडियो में भी ऐड करेंगे, ये उसमें हमने नहीं बताया था। भाग 16 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और ये प्रावधान काल में दिए हुए भारतीय संविधान के भाग 16 में दिए हुए हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन था, अनुसूचित जन जाति मतलब एसटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया था, कब हुआ था, ये शब्द कौन लेके आया था, कुछ बका हमने अंकित? नहीं पता तो मत सोचो। साइमन कमीशन सबसे पहले कब? साइमन कमीशन कब आया था? ये 1928 में भारत में आया था, 1927 में इसका गठन हुआ था, 1927 में गठन और 1928 में भारत में आया था। तब इन्होंने बोला भर था लेकिन कभी भी भारत की संवैधानिक यात्रा में इस शब्द का उपयोग हुआ क्या? नहीं। उन्होंने बोला, उन्होंने सुना और वो लोग चले भी गए, हमने उनकी सिफारिशों को माना ही नहीं, उसे स्वीकार ही नहीं किया। साइमन गोबेक के नारे लगाते रहे और उन्हें वापस भेज दिया। तो फिर ये शब्द कब आया? भारत शासन अधिनियम 1935।
सबसे पहले उपयोग किसने किया? साइंस। भारतीय संवैधानिक यात्रा में कब आया? भारत शासन अधिनियम 1935। दोनों प्रश्न समझना अच्छे से, दीक्षा समझ में आ रहा है? भारत शासन अधिनियम 1935 और साइमन कमीशन। सबसे पहले यह आयोग कब बना? तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, 65वां संविधान संशोधन 1990। 65वां संविधान संशोधन 1990। एससी व एसटी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, एससी एसटी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। फिर हम बात करेंगे कब? 89वां संविधान संशोधन 2003। 89वां संविधान संशोधन 2003 क्या किया था? पृथक एसटी आयोग कायमे अनुच्छेद 338 ए, अनुच्छेद 338 ए, इसके माध्यम से क्या किया? एससी आयोग को अलग, एसटी आयोग को अलग कर दिया गया। अब गठन कब हुआ इसका? इसका गठन हुआ है 19 फरवरी 2004। गठन कब हुआ? 19 फरवरी 2004। 19 फरवरी 2004 कैसा निकाय है ये? संवैधानिक। कैसा निकाय है ये? संवैधानिक। पहले तो गैर संवैधानिक, गैर संविधिक सलाहकारी निकाय था। सरकार के एक संकल्प द्वारा 1978 में इसका गठन किया गया था। लेकिन अब कैसा है संवैधानिक? क्योंकि अनुच्छेद 338 ए भी इसके संबंध में प्रावधान दिया हुआ है, तो कैसा निकाय हुआ ये? संवैधानिक। अब संरचना देखें, संरचना, संरचना तो क्या है? एक धन तीन, मतलब एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्य, ये पांच लोगों की इसकी संरचना है। नियुक्ति कौन करता है? बस सेम एससी आयोग जैसा देखेंगे। नियुक्ति कौन करेगा इसकी? राष्ट्रपति। प्रतिवेदन किसको देंगे ये? प्रतिवेदन किसको देंगे? राष्ट्रपति को। सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा? सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेंगे? राष्ट्रपति। कितने वर्ष का कार्यकाल इनका? 3 वर्ष का कार्यकाल। लेकिन 2 पदावधि तक इनको भी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक, कार्यकाल 3 वर्ष लेकिन 2 पदावधियों से अधिक नहीं। मुख्यालय कहां पर होगा इसका भी? नई दिल्ली। पिछला वीडियो जिसने देखा है उसको इसको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय कौन सा है इनका? मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। पहले कौन सा था? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय था, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया, जनजाति मंत्रालय। पहले कौन सा था? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय था, लेकिन अब अलग से नाम बन गया, कौन सा? जनजाति मंत्रालय, जनजाति मंत्रालय। जी एस धुरिए का नाम मिलता है हमें, जी एस धुरिए, जी एस धुरिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। जी एस, तो जी एस धुरिए की बात कर रहे हैं। जी एस धुरिए ने इनको क्या बोला था? पिछड़ा हिंदू। क्या बोला था? पिछड़ा हिंदू कहा था। तो वही आदिवासी, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? ठक्कर बाबा को कहा जाता है। किसे? ठक्कर बाबा को कहा जाता है। अब ये जो मुख्य कार्यालय तो नई दिल्ली में है, लेकिन क्षेत्रीय कार्यालय भी है इसके, क्षेत्रीय
कार्यालय कितने हैं? छह। क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं इसके? छह। तो पहला है भोपाल में मध्य प्रदेश, दूसरा जयपुर राजस्थान, रांची झारखंड, भुवनेश्वर उड़ीसा, रायपुर छत्तीसगढ़, और शिलांग। शिलांग किसकी राजधानी है अभी आप मुझे बताना, और एक कमेंट करके बताना शिलांग किसकी राजधानी है और शिलांग कहां पर होगा। तो ये छह जो है क्षेत्रीय कार्यालय इनके बने हुए हैं। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे कुंवर सिंह टेकाम। कुंवर सिंह टेकाम कब बने? 2004। कुंवर सिंह टेकाम। वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष? वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है वो है हर्ष चौहान। कौन है? हर्ष चौहान। इंदौर के से संबंध है इनका। इंदौर की जो अनुसूचित जनजाति की शाखा है उसके ये प्रभारी रह चुके हैं। ठीक, तो कहां से संबंध है इनका? इंदौर से। क्वेश्चन बन सकता है कौन है? हर्ष चौहान। प्रथम महिला अध्यक्ष की यदि बात करें तो वह उर्मिला सिंह। उर्मिला सिंह, उर्मिला सिंह वो पहली महिला है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्ष बनी हुई है। अब इनकी शक्तियां और कार्य क्या है? तो शक्तियां क्या है? सिविल न्यायालय की शक्तियां है। सिविल न्यायालय की शक्तियां कौन कौन सी होती है हमने पिछले वीडियो में अच्छे से बता दिया है। समन जारी कर सकते हैं, दस्तावेज मंगा सकते हैं, शपथ पत्र ले सकते हैं, शपथ पत्र एवं दस्तावेजों पर साक्ष्य ले सकते हैं, ये सारी बातें ये कर सकते हैं, शक्तियां है। कार्य कौन कौन से? तो एसटी वर्ग के लिए जो भी सरकार की नीतियां वगैरह बन रही है उसकी समीक्षा करना, सुझाव देना, ये सब जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। तो जैसे हमने ये राष्ट्रीय आयोग पढ़ा वैसे ही हम मध्य प्रदेश जनजाति आयोग की चर्चा करेंगे और अधिकतम 2 से 3 मिनट के अंदर हम उसे पढ़ देंगे। तो मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग। तो इसका गठन कब हुआ? 21 जून 1995। गठन कब? 21 जून 1995। बड़ा सरल एकदम। गठन 21 जून 1995 किस अधिनियम के तहत हुआ? तो मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995। गठन किस अधिनियम के तहत? मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995। मुख्यालय कहां पर है इसका? भोपाल में होगा। मुख्यालय कहां पर? भोपाल। मुख्यालय भोपाल में। संरचना, संरचना 1+2, एक अध्यक्ष और 2 कौन होंगे? अशासकीय सदस्य। अशासकीय सदस्य 2 कौन होंगे? अशासकीय सदस्य। कार्यकाल कितना होगा इसका? कार्यकाल निर्वाचन से 3 वर्ष, नियुक्ति से 3 वर्ष। नियुक्ति कौन करेगी? राज्य सरकार। कार्यकाल सेवा शर्तें भत्ते कौन निर्धारित करेगा? राज्य सरकार। कौन हटाएगा इनको या त्यागपत्र किसको देंगे? ये राज्य सरकार को देंगे। वर्तमान जो अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष जो है श्री नरेंद्र मरावी, नरेंद्र मरावी। और इससे पहले जो थे वो थे गजेंद्र सिंह राजू खेड़, गजेंद्र सिंह राजू खेड़, और फिर श्री नरेंद्र सिंह मरावी। आदिम जाति कल्याण मंत्री होते हैं एक मध्य प्रदेश में,
एक मंत्री होते हैं जो जैसे उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, इसमें राज्यों में क्या होता है, एक आदिम जाति कल्याण मंत्री। तो अभी जो है वो है सुश्री मीना सिंह मांडवे। सुश्री मीना सिंह मांडवे कौन है, ये आदिम जाति कल्याण मंत्री। ऐसे केंद्र में क्या होते हैं, जैसे हमने देखा ना जनजाति मंत्रालय होता है तो उसका एक मंत्री भी होगा और मंत्री भी वो इसी वर्ग से संबंधित होगा, तो उसका नाम भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया। तो जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री है अर्जुन मुंडा। कौन है, अर्जुन मुंडा। तो मित्रों आज हमने पढ़ा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग। अगला जो वीडियो होगा वो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग से संबंधित होगा। तो हमसे बने रहिए, हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और जो भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन मित्रों को भी हमारा चैनल जो है ये लिंक को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जो है वो सार्थक पहल का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद।